तो अगर आप लोग के भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आप लोग भी यूट्यूब पर काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, काफी महीनों से मेहनत कर रहे हो, काफी सालों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तक आप लोग के 50, 100, 200, 300, 400, 500 सब्सक्राइबर से आगे बढ़े ही रही है, अभी तक आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जिसका अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर जो रुके हैं वहां से आप लोग के सब्सक्राइबर गेन होना चालू हो जाएंगे। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर काफी टाइम से मेहनत करके थक चुके हो तो आज की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आज की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली तो 100% गारंटी के साथ आपके सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए ना, नीचे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर जैसे आप लोग यूट्यूब पर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, यानी कि यूट्यूब पर आप लोग काफी टाइम से मेहनत करते चले आ रहे हो, आप लोग को 6 महीना, 8 महीना, साल भर बीत गया, 1 साल, 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक आप लोग के सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तभी आप लोग ये उपाय का जो मैं आज तरीका बताऊंगा तभी इसका आप लोग इस्तेमाल करना। अगर आप लोग अभी नए नए आए हो, यानी कि अभी आप लोगों ने हाल ही में भी अपना चैनल क्रिएट किया है, अभी आप लोग को 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना हुआ है, तो आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल मत करिए। पहले आप लोग खुद अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत करिए, तब आप लोग को ये तरीका अपनाना है। अगर आप लोग यूट्यूब पर अच्छे से मेहनत करके थक चुके हो, आप लोग अच्छे से वीडियो भी शूट करते हो, आप लोग का थंबनेल भी अच्छा है, आप लोग एसईओ भी अच्छे से करते हो, आप लोग की वीडियो क्वालिटी भी अच्छी, आपकी वीडियो मतलब आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो शूट किया है, आपके वीडियो में कोई कमी नहीं, और आप लोग काफी टाइम से यूट्यूब चैनल मेहनत कर रहे हो, 1 साल, 2 साल या 8 महीना जितना भी टाइम हुआ हो, आप लोग को लगता हो कि मैं बहुत ज्यादा टाइम दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तभी आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा जो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ, तभी आप लोग इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पर नए हो, अभी आप लोग को कुछ ही टाइम हुआ है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना हुआ है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आप लोग पहले अच्छे से मेहनत करो आप लोग, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी मेहनत करता है वो सक्सेस जरूर होता है। तो अगर आप लोग अभी मेहनत नहीं की हो तो सबसे पहले आप लोग अपना अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 से 6 महीना अगर आप YouTube चैनल पर अच्छे से काम कर लोगे, फोकस होगे, तो 100% गारंटी के साथ आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और चैनल तो ग्रो हो ही जाएगा। तो इसलिए अगर जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग YouTube पर भी हाल ही में नए नए आए, यानी कि 10-15 दिन या 1 महीना हुआ उनको काम करते हुए, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग YouTube पर अच्छे से काम करिए, अपने कंटेंट पर फोकस करिए, अपनी वीडियो क्वालिटी पर फोकस करिए, अपने वीडियो थीम पर फोकस करिए। कम से कम आपको 5 से 6 महीना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, 5 से 6 महीना दोगे उसके बाद आपका चैनल कहीं ग्रो होगा। और लेकिन जो लोग वीडियो पर काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनको 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी उनके अभी तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो वो लोग इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने जो आज मैंने वीडियो बताया, अगर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपके सब्सक्राइबर वहीं से गेन होना चालू हो जाएंगे और 100% आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यानी कि जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो आपके रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, रेगुलर आपकी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि फालतू के सब्सक्राइबर बढ़ने से कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग कोई पैनल से सब्सक्राइबर ले लेते हैं, कहीं कहां से सब्सक्राइबर ले लेते हैं, वो उनके एक्टिव सब्सक्राइबर तो होते नहीं, सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं लेकिन जब वीडियो डालते हैं तो उनके वीडियो पर बहुत कमी व्यूज आते हैं। तो इसलिए जो आज मैं बताने वाला हूं उससे आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपकी रेगुलर एक ऑडियंस बन जाएगी। तो मैंने आपको दो चीज बता दी कि अगर आप लोग यूट्यूब पर नए हो तो आप लोग पहले मेहनत करिए, तब आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल करिए, और जो लोग काफी टाइम से मेहनत करके थक चुके, एकदम हार मान चुके हैं, वही लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो 100% उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन सा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ, आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आप जिस भी कैटेगरी का अगर आपका चैनल होगा, जैसे आपका ब्लॉग कैटेगरी का चैनल होगा या गेमिंग कैटेगरी का, टेक कोई ना कोई कैटेगरी का चैनल तो होगा ही आपका, या कुकिंग का होगा या डांस का होगा, तो आप लोग जिस कैटेगरी का चैनल बना रखे होंगे उसके आप लोग उसमें आप लोग सबसे पहले ये देखोगे उस कैटेगरी में सबसे टॉप पर कौन कौन है, यानी जिस कैटेगरी का आपका चैनल बना, आपने चैनल बनाया उस कैटेगरी में सबसे नंबर मतलब 3-4 टॉप चैनल आपको सर्च कर लेने, जैसे कुकिंग का चैनल, कुकिंग अगर आपका चैनल होगा तो कुकिंग के जो 4-5 टॉप के चैनल होंगे उनको सर्च कर लेना, अगर आपका ब्लॉगिंग का हो तो ब्लॉगिंग में 4-5 जो टॉप चैनल उसको सर्च कर लेना, ठीक, आपको तो पता ही होगा, आप लोग जानते हो, या टेक कैटेगरी का चैनल है तो आप लोग टेक में जो 4-5 क्रिएटर है जो टॉप पर है उनको सर्च कर लेना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मेरा चैनल है टेक कैटेगरी, ठीक है, तो मेरे चैनल पे जो 4-5 टॉप क्रिएटर है, जैसे मनोज देव हो गए, टेक्निकल योगी हो गए, जुन्नू की टेक हो गए, उसके बाद टेक चैंपियन सपोर्ट हो गए, ये सब हो गए, तो यहां पर मैं
जैसे मनोज जी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके जो कैटेगरी के जो टॉप के क्रिएटर होंगे, आपको एक दो क्रिएटर को ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर फेसबुक में, आप अपना फेसबुक चलाते ही होंगे, ठीक है। तो आपको जाना है फेसबुक वाले एप्लीकेशन में, ठीक है। फेसबुक वाले एप्लीकेशन में आपको चले जाना है। ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना 100% जेन्युइन है, और आपके जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको चले जाना है फेसबुक में, ठीक। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कैटेगरी का आपका चैनल होगा, जिस भी क्रिएटर को आपने सर्च कर रखा होगा टॉप पे, उसको इसको यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे मैंने मनोज दे को सर्च कर लिया, ठीक, क्योंकि मेरा चैनल टेक कैटेगरी का है तो मनोज दे सबसे नंबर वन पे, आप लोग जानते हो। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया मनोज दे, ठीक। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मनोज दे सर्च कर लिया, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मनोज दे भाई का फेसबुक पेज आ चुका है, ठीक। यहाँ पर इनका फेसबुक आ चुका है, फेसबुक पर भी इन्होंने बना रखा है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो अगर यूट्यूब पर काम करते हैं तो उनका अदर प्लेटफॉर्म पर भी चैनल होता है, जैसे फेसबुक पर भी वो होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फेसबुक पर आप उनको सर्च करोगे तो जरूर मिल जाएंगे, जो आपके क्रिएटर होंगे टॉप पे फेसबुक पर सर्च करोगे तो उनका पेज आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मनोज भाई को मैंने सर्च करा कि यहाँ पर देखिए का ब्लू टिक भी है, ठीक है। तो ये इनका चैनल है, ठीक है, मनोज भाई, मनोज दे। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले चले आना है आपको अपने चैनल में, आपका जो चैनल होगा वहां पर आपको चले आना है चैनल। जैसे मेरा चैनल है टेक सूरज यादव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल में आ जाता हूँ, देखिए मैं अपने चैनल पर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस गोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको चले आना है योर चैनल में, ठीक है। योर चैनल में जाने के बाद आपको अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका चैनल होगा उसका आपको लिंक कॉपी कर लेना, वो कैसे कॉपी कर लेना, आपको यहाँ आना अपने चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर थ्री डॉट दिख रहा होगा, थ्री डॉट पर आने के बाद यहाँ पर दिखा होगा शेयर, शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा होगा कॉपी, यहां से आपको अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेना, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको फेसबुक में जाना है, जो आपने क्रिएटर को सर्च कर रखा होगा उसने कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई रील जरूर डाली होगी, ठीक। तो जैसे मैं इनके यहां पर वीडियो पे चले जाता हूं, और यहां पर देखिए इन्होंने वीडियो भी डाल रखी यस्टरडे, यानी कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाली है। तो आपको करना क्या है, उसकी वीडियो या पोस्ट या रिसेंटली जो उन्होंने डाल रखा हो उस पर आपको चले जाना है, ठीक। जाने के बाद करना क्या, जैसे इन्होंने वीडियो डाल रखी है, इसके बाद आपको करना क्या है, लाइक दिख रहा है, लाइक के ऊपर देखिए जैसा ब्लू कलर का थंब ने ऐसे थंब बना होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसे जिन जिन लोगों ने लाइक किया या कमेंट किया है तो देखिए आपके सामने ऐसे आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये रेगुलर मनोज दे भाई को देखती है, ठीक है। रेगुलर इनको देखती है, रेगुलर इनकी व्यूअर, इनकी सब्सक्राइबर, रेगुलर इनकी वीडियो को देखती है, इनके फोटो को लाइक करती है, इनके रील्स को देखती है। तो इनको करना क्या है, आपको इनकी ऑडियंस को आपको अपनी ऑडियंस बनाना है, यानी इनके सब्सक्राइबर को आपको अपने सब्सक्राइबर बनाना है, क्योंकि आपका भी चैनल उसी कैटेगरी का है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपका चैनल जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी के टॉप लोगों को पकड़ना है, अदर कैटेगरी का मत पकड़ लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जैसे आपका ब्लॉगिंग कैटेगरी का है तो ब्लॉगिंग के जो टॉप 2-3 चैनल हो उसको पकड़ लेना, जैसे मेरा टेक कैटेगरी का, तो मैंने यहां देखिए मनोज भाई को ले लिया। तो ये जो सब जो देख रहे हो आप, ये सब मनोज को फॉलो करते हैं और ये सब टेक वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आपको करना क्या, जैसे किसी भी यहां से जितने भी लोग देख रहे होंगे तो आपको करना क्या, इनकी आईडी में जाकर यहां पर आपको देखिए मैसेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मैसेज में जाकर यहां पर आपको अपने चैनल का लिंक कॉपी यहां पेस्ट कर देना, यहां पर ऐसे करके आपको अपने चैनल का लिंक पेस्ट करके यहां पर सेंड कर देना। तो ये तरीका आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आप करते चले आए, जितने भी इनके जितने भी इनके फॉलोवर्स होंगे सारे में आपको एक एक करके सबको ये चैनल आपको अपना लिंक वहां पर पेस्ट करके उनको सेंड करते जाना, सेंड करते जाना है। तो इससे इनकी जो भी सब्सक्राइबर होंगे वो आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, क्योंकि आप उनको चैनल का लिंक पेस्ट करोगे तो आपका लिंक पर अगर क्लिक करेंगे चैनल देखेंगे तो देखेंगे तो टेक कैटेगरी का है, जैसे मनोज देखो फॉलो करते तो इस तरह से ये आपको भी फॉलो कर लेंगे 100% गारंटी के साथ, चांस है आपको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको सबसे पहले ही का मैसेज छोड़ने के बाद आपको अपना लिंक पेस्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी अपनाओगे तो आपका सब्सक्राइबर जो कि है 2 घंटे में बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पर 2-3 दिन का भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर 2 घंटे में पढ़ना चालू हो जाएंगे। और ये जो तरीका है एकदम जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं, क्योंकि उनको आप अपना लिंक पेस्ट करोगे तो अगर इनको आपका आपके चैनल पर विजिट करेंगे जरूर, तो अगर इनको आपका चैनल अच्छा लगेगा, आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो ये आपको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आपके रेगुलर ऑडियंस भी बन जाएंगे। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसको आप लोग एक बार अप्लाई करके जरूर देखिए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपके सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग को मेहनत जरूर करना, ये नहीं कि आप लोग मेहनत करना बंद कर दो, किसी के सब्सक्राइबर कॉपी कर लो तो आप लोग के सब्सक्राइबर बढ़ गए, ये ऐसा नहीं है। इन्होंने मान लो इन्होंने आपको सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन उसके बाद आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा देना, तभी आपके रेगुलर व्यूअर बन पाएंगे। नहीं तो पता चला इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आप अपने कंटेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये आपको अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं।
तो इसलिए YouTube पर काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। YouTube पर आपको अच्छे से पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी ऑडियंस को बांध सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप लोग का नया चैनल है तो आप लोग सबसे पहले 5 से 6 महीना अपने चैनल को दीजिए, अपने कंटेंट पर फोकस करिए, अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत करिए, तभी आप लोग इस तरीके का अप्लाई करिए। क्योंकि ये जो तरीका है मैंने उन लोगों को बताया जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिनको साल हो गया है लेकिन उनका अभी तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, उनके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो लोग इस तरीके का एक बार अप्लाई करके जरूर देख सकते हैं। अगर ये तरीका अप्लाई कर लेंगे तो उनके 100% गारंटी साथ सब्सक्राइबर बनना चालू हो जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।